छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम आपको चार जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ नजर आ रही है और बड़ी संख्या में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंगेली, कवर्धा, महासमुंद और दुर्ग जिले की ये तस्वीरें हैं जहाँ किसान धान बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दुरुस्त की हुई हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, चूंकि तैयारियां तो यहाँ पर पहले से ही कर ली गई थी ताकि किसान यहाँ पर पहुंचे तो किसानों को परेशानी ना हो। तो रायपुर में धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस साल पंजीयन अधिक हुआ है। सरकार बनने के बाद पंजीयन और रकबे में वृद्धि हुई है। हमारी कोशिश है कि किसान ज्यादा धान बेच सकें। मुख्यमंत्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उसना चावल को लेकर समस्या है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है, मंत्रिमंडल समेत मुलाकात करने का समय मांगा है। वहीं भाजपा के आरोप और रमन सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने एक दर्जन पत्र केंद्र को भेजा था। अड़चने डालने का काम भारत सरकार कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद भारत सरकार अड़ंगा लगा रही है, उसना चावल नहीं ले रही, बारदाना नहीं दे पा रही। पहले ये दिक्कतें नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि रमन सिंह की सरकार से डेढ़ गुना ज्यादा धान की खरीदी हम कर रहे हैं। रमन सिंह को अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए, लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो 105 लाख मीट्रिक टन धान की इस बार खरीदी हो गई। 23 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में 2,399 खरीदी केंद्र इस बार बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 88 खरीदी केंद्र इस बार अधिक हैं। 5,25,000 गठान जूट बारदाने की जरूरत इस बार है। वहीं 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य भी तय किया गया है। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के धान हम खरीद सकें, और जो हमको लक्ष्य मिला है 61 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन दुर्भाग्यजनक है केवल वो अरवा चावल के मिला, उसना का नहीं मिला है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पत्र लिखा है और पूरे मंत्रिमंडल जाके मिलना भी चाह रहे हैं। साल तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, तब क्यों जूट मतलब बारदाना हमको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारी डिमांड है, उतना हमको देना चाहिए। हमने 5 लाख गठान की मांग की है तो उतना गठान हमको मिलना चाहिए, जबकि वो नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से उतना चावल नहीं लेकर हमको परेशान कर रहे हैं, उसी प्रकार से बारदाना भी नहीं देके हमको परेशान कर रहे हैं। रमन सिंह जितना खरीदे तो डेढ़ गुना धान खरीद रहे हैं। वो 60 लाख मीट्रिक टन से कभी ऊपर नहीं गए। 92 लाख मीट्रिक टन तो पिछले साल खरीदे, इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन जाएगा, वो क्या बात करेंगे। जो हवाई सेवाएँ हैं बंद होनी चाहिए ताकि वहाँ से यात्री आएंगे और पूरे देश में फैलाएगा। यदि पहले ही लहर में यदि भारत सरकार उसको रोक लेते, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कहाँ से आया, यूके से आया। इसलिए हमने अपील की है भारत सरकार से कि वो उन देशों से यात्री ना आने दे, और आए जरूरी है तो उसको कम से कम क्वारंटाइन में रखें, उसको होम क्वारंटाइन में रखें, चाहे हॉस्पिटल में रखें, जहाँ भी रखना है उसे रखें और कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करें। और चलिए अब धान खरीदी को लेकर रमन सिंह का आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं। उन्होंने धान खरीदी को लेकर क्या ट्वीट किया है, चलिए आपको ट्वीट दिखाते हैं कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या ट्वीट किया है। नियत देखिए किसान विरोधी सरकार की, ये ट्वीट है पूर्व सीएम रमन सिंह का। शराब बेचने के लिए बोतल है, धान खरीदने बारदाने नहीं है। धान खरीदी के नियमों की सूची है, टोकन है। शराब के लिए कोई नियम नहीं, शराब घर पहुंचाकर बेच सकते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जान लेती हूं, चूंकि धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और अच्छी शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, धान खरीदी इस राज्य में एक बड़े उत्सव के समान है जी।
हमारे राज्य का कुल बजट है 1,00,000 करोड़ का, इस बार हम धान खरीदी करने जा रहे हैं 1,05,00,000 मीट्रिक टन। ये रमन सिंह के पहले कार्यकाल के 5 वर्षों में मिलाकर जितना धान हमने खरीदा था उससे ज्यादा धान हम इस साल खरीदने जा रहे हैं, और 1,00,000 करोड़ के बजट में से 25,000 करोड़ रुपए धान की खरीदी में जाएंगे और लगभग 7,000 करोड़ रुपए उनके बोनस यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में जाने वाला है। अब जहां तक रमन सिंह के ट्वीट की बात है, मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। जी, इन्होंने लिखा कि शराब बेचने के लिए बोतल है, धान खरीदने के लिए बारदाना नहीं है। बिल्कुल सही लिखा आपने, शराब बेचने वाली कंपनियां बोतल ओपन मार्केट से खरीदती हैं, केंद्र सरकार बोतल सप्लाई नहीं करती है, लेकिन धान खरीदने का बारदाना जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया सरकार मोदी जी की सरकार के द्वारा दे है, जो कि आप हमें नहीं दे रहे हैं, एक बारदाने की कमी है। दूसरा उन्होंने लिखा है धान खरीदी के नियमों की सूची है, टोकन है, शराब के लिए कोई नियम नहीं है। 15 साल आप मुख्यमंत्री थे, आपने शराब बेचने के लिए कोई नियम बनाया था? आप टोकन काट के शराब बेचते थे? नहीं, श्रम संहित क्यों? और तीसरी और अंतिम उन्होंने लिखा है कि शराब घर पहुंचाकर दे सकते हैं, समितियों में धान खरीदने में दिक्कत है। अब मैं बड़ी गंभीर बात करने जा रहा हूं। जी, अगर धान खरीदने में दिक्कत है तो आदरणीय रमन सिंह जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप धान दीजिए और अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दीजिए कि धान खरीदी का बहिष्कार करें और धान मत बेचे। ये खुद धान बेचते हैं, खुद कमीशन लेते हैं और प्रदेश के किसानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। धान खरीदी में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं जवाब ले लेती हूँ। सर क्या कहेंगे, क्योंकि गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार पर। दो जिम्मेदार हैं जिन्होंने कहा, वास्तव में दो से ही घबराहट है पूरी कांग्रेस पार्टी को, नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। क्योंकि कितना शराब के लिए कितना उन्होंने तर्क दिया, शराब से कितना मोह इनको, शराब से कितना लगाव है, कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने तर्क दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कैसे टोकन और क्या। लेकिन सर अभी यहाँ पर बारदाने की, लेकिन सर अभी यहाँ पर बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहा है उस पर। सुन लीजिए, नहीं तो मैं रख देता हूँ फोन, सुन तो लीजिए। जी सर, क्या है शुरुआत, अभी तो शुरुआत का तमाम प्रकार की बात उन्होंने किया, बात तो सुन लीजिए, कई दिक्कत नहीं। देखिए 3 वर्ष की सरकार, पहला दिन है आज 1 दिसंबर, पहला दिन, और पहले दिन के पहले ही भगदड़ मच गई। 17 महिलाएं टोकन, छोड़िए बारदाना, टोकन नहीं दे पाए। टोकन पर तो सवाल कर ले कि 2 दिन लाइन लगी कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में, बालोद जो क्षेत्र है, बालोद है, ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। टोकन के लिए भीड़ लगती है, दरवाजा खुलता है, भीड़ एकदम रेलम पेल होती है, 17 महिलाएं घायल हो जाती है, उसमें से 4 से 6 महिलाएं अस्पताल में भर्ती है। बारदाना कहां बीच में आ गया? आप तो टोकन नहीं बांट पा रहे हो, टोकन वाली सरकार टोकन नहीं बांट पा रही है, और आप आरोप प्रत्यारोप 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आरोप प्रत्यारोप। पहला दिन है ये सरकार, कम से कम 10 दिन 15 दिन इंतजार तो कर लेती, व्यवस्था तो बना लेती। पहले दिन से रुके, किसानों को कहते हैं कि 25 से 50 बोरा लेकर आना पड़ेगा तब आपकी धान की खरीदी होगी। पिछले साल के बोरे का पैसा नहीं दे पाए किसानों का पैसा, आज तक वापस नहीं हो पाया। इनकी ट्रेजेडी ये है, इनका टूलकिट ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ पहले दिन से चालू कर दो अभियान। 1 महीने की इन्होंने चोरी करी है, 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी 1 दिसंबर, आज हजारों की संख्या में किसानों ने औने पौने 1200-1400 में धान भेज दिया जिनको पैसे। ठीक है सर, यानी कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल धान खरीदी जो है वो प्रदेश में शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का जुड़ने के लिए, News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। वैभव शिव पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। वैभव, धान खरीदी की शुरुआत हो गई है लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो आज भी जारी है। कहा जा रहा है कि बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि टोकन की व्यवस्था नहीं कराई गई राज्य सरकार की ओर से। देखिए सियासत की बात तो बीजेपी और कांग्रेस जाने, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई ये है कि किसानों के सामने ये चुनौती तो है कि आगे वो बारदाना अगर नहीं मिला तो कैसे धान बेच पाएंगे। देखिए अभी सरकार ने पहले हफ्ते की व्यवस्था कर ली है, जो बारदाना का संकट बना हुआ है छत्तीसगढ़ के भीतर में, उसमें सरकार ने जो PDS है उससे बारदाने की व्यवस्था की है, कुछ राइस मिलर्स हैं उसके जरिए बारदाने की व्यवस्था की है, कुछ नए बारदाने जो केंद्र सरकार की तरफ से मिले हैं वो है, लेकिन अभी ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। देखिए 2 महीने की धान खरीदी है, आज पहला दिन है, पहले दिन धान खरीदी की शुरुआत हो रही है तो उसमें जरूर सरकार ने अपने तरफ से बारदाने की व्यवस्था किसानों के लिए की है, लेकिन कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जहां पे खुद किसान
अपने बारदाने के साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में खबर ऐसी आई थी कि 25% बारदाना किसानों को लाना होगा, अगर नहीं लाएंगे तो वो धान नहीं बेच पाएंगे। तो इस सूचना के साथ कुछ किसान जिनके पास बारदाना था वो बारदाना लेके पहुंचे, लेकिन एक हफ्ते के बाद की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं कि अगर बारदाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई तो एक हफ्ते बाद बहुत सारे केंद्रों में शायद खरीदी बंद हो जाए। बिल्कुल, आज तो स्थिति अच्छी है लेकिन एक हफ्ते बाद की स्थिति क्या होगी उस पर विचार जरूर बिल्कुल किया जाना चाहिए। वैभव, यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि टोकन की व्यवस्था भी नहीं हुई है और साथ ही टोकन भी किसानों को नहीं मिला है, और क्या क्या परेशानियां यहाँ पर किसानों को देखने को मिल रही है? देखिए, टोकन को लेकर के कुछ खरीदी केंद्रों में ज़रूर ये शिकायतें आई थी कि वहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, जिससे कि भगदड़ की स्थिति बनी। हमने बालोद के जरिए ऐसी तस्वीरें भी देखी, कुछ और केंद्रों से भी ऐसी तस्वीर आई, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। प्रायः जो है किसान हैं उनको टोकन प्राप्त हो गया है और वो अपने टोकन के हिसाब से खरीदी केंद्रों में धान लेकर के पहुँच रहे हैं। तो टोकन वाली जो समस्या है वो तो अभी लगभग एक तरीके से समाप्त हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे छाए की व्यवस्था नहीं है, यानी कि या तो किसान धूप में बैठने के लिए मजबूर हो जाए या अपनी कुछ व्यवस्था करे। कुछ एक जगहों पर जरूर टेंट लगाया गया है लेकिन हर केंद्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पानी, पीने की पानी की व्यवस्था जरूर सोसाइटियों यानी खरीदी केंद्रों में होनी चाहिए। तो जहाँ पे व्यवस्था है पीने की पानी वहाँ तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केंद्र है जहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था भी किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार घंटों लग जाता है समय, ऐसे में किसानों की समस्या, किसानों के पास परेशानी तो रहती है। आज मंत्री अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री हैं वो खरीदी केंद्रों के दौरे पर निकले हुए हैं, वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन मंत्री जहाँ जहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं पहले से अच्छी कर ली गई है, लेकिन आप दूसरे और तीसरे और चौथे दिन आप जब खुद निकलेंगे, यानी कि जब हम खुद निकलेंगे तो देखेंगे कि तब व्यवस्थाएं क्या है। पहले दिन तो वैसे ही सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को साफ तौर पर और बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो हम देख पा रहे हैं और साथ ही जो बता रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।